Guys, welcome back to our channel. This is CM Vlogs and your most awaited video. आप लोगों के कमेंट की वजह से आज ये चुपचाप रहने का इसने फैसला कर लिया है. एक्टिंग कर रहा है. सो गाइज, वी आर रियली वेरी सॉरी कि आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा. आई मीन 2 वीक्स. तो हम लोग अभी मूवी देख के आए, ब्रह्मास्त्र. इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी. मैं अभी भी स्टॉप नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा मूवी. आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगेगा, पर एक बार देखना जरूर. सो लेट्स गेट बैक इन टू द वीडियो, द मोस्ट awaited video, part 2, our love story part 2. जहां से खत्म किया था वहीं से हम लोग शुरू करेंगे. तो let's start with lockdown का. हम लोगों ने lockdown में end किया था, तो वहीं से शुरू करते हैं. So zik lockdown 2020. So guys, हम लोग lockdown में थे. lockdown में lockdown is रीजन की हम लोग बहुत ही क्लोज आ गए थे एक दूसरे के. हम लोग रात दिन फोन पे बात करते थे. इसका जो मुझसे मिलने का पहले का जो पार्ट था, मुझे ये सब कुछ बता चुकी थी और मैं भी इसको बता चुका था. तो लॉकडाउन में आफ्टर 6 मंथ्स, लॉकडाउन स्टार्ट होने के 6 मंथ्स बाद हम लोग फिर से मिले. मैं इसके प्लेस गया था, मेरे माँ के घर से थोड़ा ही ऊपर था इसका घर, तो मैं वहां पर गया था. मेरा ग्रैंड मदर के हेल्थ इशू की वजह से हम लोग को जाना पड़ा था. तो हम लोग गए, हम लोग मिले. हार्डली हम लोग 2 to 3 आवर्स ही हम लोग को टाइम स्पेंड करने के लिए मिला था. तो आफ्टर दैट हम लोग को वापस जाना पड़ा. तो उस समय बहुत ही दुख हुआ था कि हम लोग सिर्फ 2 to 3 आवर्स ही मिल पाए थे. बट अभी तो बहुत ही ज्यादा हम लोग साथ में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. यू नो, इसी का फेस देखना पड़ता है मुझे, विच इज वेरी क्यूट. एंड सो उसके बाद बहुत ही अच्छे दिन चल रहा था. सो उससे पहले जो लॉकडाउन में जो हम लोगों का बैड टाइम चल रहा था, उससे पहले लेट हर स्पीक. उस ये बोलेगी. मैं नहीं बोलूंगी, मुझे शर्म आ रही है. तो क्या हुआ था कि जब हम रिलेशन में हो गए थे, तब तो आई वाज, इससे मिलने से पहले आई थॉट आई वाज स्ट्रेट. सो इसको मिलने के बाद मुझे पता चला कि आई एम बाईसेक्सुअल. तो मेरे फैमिली को वो एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा था. फर्स्ट में तो हमारा बहुत सारा सीन बहुत बहुत टाइम नहीं, अभी 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 2 मंथ्स ही हो गया होगा. थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट कर रहा है अभी. तो लेट अस कंटिन्यू. तो जब हम फर्स्ट रिलेशन में हुए थे, तो तभी 1 मंथ भी नहीं हुआ था, लेकिन हमारा जो हेटर्स है वो सब लोग हमारा पिक्चर्स और सब मेरा माँ के कान भरना शुरू कर दिया था. वो टेक्स्ट में फेक अकाउंट क्रिएट करके फिर बहुत सारा हेट कि आपका बेटी इस कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वो बोल के बहुत वो कान भर रही थी. तो हमारा बहुत इशू हो गया था. मेरा भी घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था. मुझे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे हम दोनों को, और बहुत ट्राई किया हमारा करने के लिए, ब्रेकअप करने के लिए. बहुत ट्राई किया. हर मॉम एंड हर डैड यूज टू टेक्स्ट मी एंड स्टफ्स लाइक दैट, यू नो. बहुत सारा टेक्स्ट मैसेजेस आता था मुझे फ्रॉम हर पेरेंट्स की ऐसा 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 बोल के. बट देन आई या मुझे ऐसे बोल के टेक्स्ट किया था हर मॉम कि अगर तुम लड़का होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, बट देन यू आर अ गर्ल, ऐसा वाला मैसेज भी आया था मुझे. बट यू नो, आई हैंडल्ड इट वेरी प्रॉपरली. आई रिप्लाइड हर, आई ट्राइड टू कन्विंस हर, बट देन स्टिल शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मी और अस, लेट्स से. तो उसके बाद
उसके बाद ऐसा ही चलता गया फॉर लाइक अ लॉट ऑफ मंथ्स, लाइक ईयर, लेट मी टेल यू, ईयर ही बोल देते. बहुत टाइम लगा हम लोगों को ऐसे जो, बट देन हम लोगों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग था, हम लोगों का रिलेशनशिप में बॉन्ड इतना स्ट्रांग था कि हम लोग को कोई भी ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, नजर ना लगे. ओके ठीक ठीक. तो उसके बाद ये बोलेगी, वी वर फाइन बिकॉज मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा और बहुत टाइम लगेगा, वो हमें पता था, इसलिए हमने कुछ नहीं बोला. हमने बहुत कोशिश किया कन्विंस करने के लिए, फिर भी नहीं हुए तब नहीं हुए. लेकिन एक ऐसा टाइम भी आया था लाइक इसको घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था. ये पार्ट इसको अच्छे से पता है तो ये एक्सप्लेन करेगा आपको. दैट टाइम आई वाज लाइक टोटली ब्रोकन. मुझे पता था ये मुझे नहीं छोड़ेगी, बट स्टिल आई वाज लाइक मेरी वजह से ऐसा हो रहा है बोल के मुझे बहुत बुरा लगा था. ऐसा हुआ था कि उसके फैमिली में इसका फैमिली में मॉम डैड एंड ग्रैंड पेरेंट्स है, तो ग्रैंड पेरेंट्स ने पता नहीं क्या बोल दिया मेरे बारे में कि इसको बहुत गुस्सा आ गई थी और घर छोड़ के चली भी गई थी. बट देन इसका मॉम जो है वो इसको पकड़ के घर वापस ला के रख दिया. एंड उस टाइम में मुझे इसको अनफॉलो और अनफॉलो करना पड़ा था. शी कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी टू अनफॉलो. ऐसा हुआ था कि वी डिडंट ब्रेक अप, वी जस्ट से टू ईच अदर दैट हम बस अनफॉलो करेंगे और बस दिखाएंगे कि हमारा ब्रेकअप हुआ है, तो हमने वो दिखावे के लिए किया था. सॉरी मॉम एंड डैड. यस, तो वैसा हुआ था. एंड फॉर लाइक अ वीक हम लोग वैसे ही रहे. हम लोग बात करते थे पर हम लोग कुछ भी नहीं पोस्ट किया था. वैसे भी हम लोग पोस्ट नहीं करते थे. सो गाइस ऐसा हुआ था, जुलाई फर्स्ट वीक में हम लोगों का मीम्स स्टार्ट हुआ था. इतना ज्यादा वो सर्कुलेट होने लगा था, इतना ज्यादा फेसबुक में वायरल होने लगा था कि पहले तो हम लोगों को कोई कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो उससे गुजरा हुआ था पहले ही एज इन 2017 में बहुत ही ज्यादा मीम्स का वो निकला था. तो आई वॉज the one who got trolled and मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था. मैं तो आई एम यूज टू इट. अभी भी मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी क्या कहे, कोई भी क्या बना के कोई भी डाल दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट इट वॉज फर्स्ट टाइम वैसे थिंग्स से गुजर रहा था, तो इट वॉज काइंड हार्ड फॉर हर पहले तो एक्सेप्ट करने में कि ये इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ बोल के एक्सेप्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था इसको. लेकिन इतना ज्यादा बढ़ गया था मीम्स एंड ट्रोल्स. वैसे ही आप लोगों को तो पता ही होगा कि यूट्यूब में भी बहुत सारा कंट्रोवर्सीज हो रहा था, बहुत सारा रोस्ट वीडियोज आ रहा था हम लोगों को लेके. और फेसबुक में तो बहुत ही ज्यादा मीम्स, बहुत ही ज्यादा हम लोगों का एक पेज ही था वहां पर मीम्स का. बट देन आई न्यू हाउ टू स्टॉप दैट सिचुएशन, कि मुझे पता था पर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था. एंड देन वो बढ़ता ही गया. उसके बीच में अचानक से इसका अकाउंट हैक हो गया. हर अकाउंट विथ 150K फॉलोअर्स हैक हो गया. और इतना लाइक क्यों बन सकते हैं. तो ऐसा हुआ था कि हमारा हैक होने से पहले हमारा बहुत मीम्स बन रहा था, वो बहुत हार्श मीम्स बन रहा था. पहले तो वी वर फाइन विद दैट, बट देन बाद में हमको बहुत इफ़ेक्ट हो रहा था. इसलिए हमें साइबर बुली से भी कॉल आया था कि आप लोग कंप्लेन करो. इसलिए इसने तो कर भी दिया था. तो मैं प्रिंट आउट करने के लिए चली गई थी. तो जब मैं प्रिंट आउट कर रही थी तो तब मुझे कुछ लिंक आया था, मुझे वो कॉपीराइट का लिंक आया था. तो मैंने सोचा कि लाइक पीपल वर लाइक रिपोर्टिंग मी बिकॉज अभी हमारा बहुत मीम्स बन रहा है, बहुत हेटर्स है. तो आई थॉट कि हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आई प्रेस दैट लिंक एंड तभी मेरा हैक हो गया सब कुछ. और मैंने जल्दी से इसको कॉल करके बताया. तो व्हाट यू डिड, उसके बाद इसने मुझे कॉल किया और मेरे पास भी इसका अकाउंट था, तो आई चेक एंड आई गॉट लॉग्ड आउट.
उसके अकाउंट से, और फेसबुक में नहीं, यूट्यूब में डाला गया था हैक्ड करके एक वीडियो डाला गया था, वो बाहर से हुआ था, कहीं आउट ऑफ इंडिया से हैक किया था तो अकाउंट। उसके बाद ये तो ऐसा लग रहा था कि ये डिप्रेशन में चली गई है, बिकॉज शी वॉज नॉट ईटिंग, शी वॉज नॉट स्लीपिंग वेल, उस ये रोती रही फॉर लाइक 1 वीक। हाँ, मुझे बहुत फीवर हो गया था, ज्यादा रो के मुझे फीवर हो गया था, हेडेक तो पूरा ही हो गया था, मेरा आँख इतना इतना हो गया था, और वॉमिटिंग भी बहुत हो रहा था। तो तब मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम मेरे लाइफ में लाइक कितना इम्पोर्टेंस है, ये फैंस वगैरह सब, मेरा जो ये फैमिली है सब कुछ, मेरा इंस्टा फैमिली है, तब मुझे इम्पोर्टेंस पता चला कि ये बहुत इम्पोर्टेंट। जब मुझे वो सिचुएशन में आना पड़ा तो तब मुझे पता चला कि भाई, तो वैसा हुआ। और उसके बाद हम लोग इसको कोई इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था मीम्स का, क्योंकि इसका अकाउंट ऑलरेडी हैक हो गया था। तो मुझे इसको देख के ना मुझे बहुत वो हो रहा था, लाइक आई वॉज फीलिंग बैड फॉर, आई वॉज फीलिंग लाइक वेरी सैड एंड अपसेट, क्योंकि इसका अकाउंट ऑलरेडी हैक हो गया था। तो आई वॉज ट्राइंग टू लाइक ब्रिंग हर अकाउंट बैक। मैं और मेरा दोस्त उज्जू, हम लोग रात भर बैठ के इसका अकाउंट वापस लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। एक बार तो मैंने लाया भी था, लेकिन वो जैसे लॉग इन किया, जैसे ही मैंने ईमेल चेंज करने की कोशिश की, वैसे फिर लॉग्ड आउट हो गया था। तो रात को मैं और उज्जू रात को बैठा और हम लोग ने प्लान किया कि ऐसा ऐसा करेंगे। फिर उस टाइम हम लोग ने एक बार फिर से ट्राई किया था, पर इसका ये सो गई थी, तो कोड इसके फोन में जा रहा था तो ये सो गई थी। तो हम लोगों ने बोला कल सुबह करते हैं, तो वी वेटेड द होल नाइट एंड सुबह हो गया। और सुबह मैंने इसको कॉल किया, इसको बोला कि लाइन पे रहो, ठीक है। इसको ये लाइन पे रही और मैंने फिर से ट्राई किया, तब हम जाके सक्सेसफुल हो गए और हम लोगों ने इसका अकाउंट बैक ला दिया। और इसका बर्थडे गिफ्ट वही था, इसका अकाउंट बैक आ गया था, क्योंकि इसका बर्थडे 1 तारीख को था, तो 2 to 3 days ही बचा था इसका बर्थडे आने में। तो हम लोग ने वो अकाउंट इसको बैक दे दिया। तो दैट वॉज वेरी हार्ड सिचुएशन इन माई होल लाइफ। एंड उसके बाद हम लोग बैक टू ट्रोल आते हैं, बहुत सारा मीम्स एंड ट्रोल्स बन रहा था, बहुत सारा सर्कुलेट हो रहा था। मेरा ये यहाँ तक पहुँचा था कि वो मेरे फैमिली ने भी देखा था, और मेरे फैमिली को मैंने बोल दिया ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसने भी बोल दिया, इसके घर पे भी पहुँच गया, हम मेरे घर पे भी पहुँच गया। तो उसके बाद मुझे जाके कंप्लेन करना पड़ा। आई डिडंट वॉन्ट लाइक मुझे मन ही नहीं था कि मैं जाके किसी और का लाइफ लाइक मेस करूँ। तो बट आई स्टिल हैड टू गो एंड कंप्लेन, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे उस टाइम। तो आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, जो कि दार्जिलिंग का बड़ा पुलिस स्टेशन है। हम लोग को पता चला कि वो ट्रोलर्स जो है, जो मीम बना के सर्कुलेट कर रहा है, वो मिरिक से था। तो हम लोग ने वहाँ जाके कंप्लेंट दिया, वहाँ से नंबर मिला हम लोगों को, जो बना रहा था उसका नंबर मिल गया, और वहीं से फ़ोन किया था, जिसने बनाया था उसको फ़ोन किया और उसको बोला ऐसा तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तो यहाँ से हम लोग ने वहाँ का जो पुलिस का हेड है, उसने वो केस मिरिक में भेज दिया था। तो वो लोग जाने ही वाले थे, लेकिन इसका अकाउंट बैक आ गया था। दैट वॉज सच ए रिलीफ कि इसका अकाउंट बैक आ गया था। और हम लोग ने बोला कि हम लोग एक चांस दे देते हैं, क्योंकि वो मीम्स जो था वो डिलीट हो चुका था, जो वल्गर मीम्स था। एक इसके टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आपको नहीं पता है तो आप जाके देख लो। तो हम लोगों ने कंप्लेन किया, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था वो मीम्स आने का बंद हो गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम लोग भूल भी गए थे उस टाइम कि ऐसा ऐसा हुआ था हमारे लाइफ में। बट अभी भी जब सोचते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मीम्स हंसने के लिए बनाया जाता है, पर
उस वो मीम्स से हम लोगों का इमोशन, हम लोग का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा था, तो बहुत बुरा लगता है अभी. फिर भी इट्स ओके, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो हम लोग मूव ऑन हो गए उसके साथ. उसके बाद हम लोगों का लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रहा था, मीम्स आना बंद हो गया था. उसके बाद हम लोगों ने लाइफ अच्छे से जा रहा था है? तो हमें बाद में पता चला कि जो वो मीम सर्कुलेट कर रहा था, क्योंकि वो जो पेज था ना उस पे ग्रुप ऑफ पीपल थे, लाइक बहुत बहुत सारे पीपल थे जो वो मीम सर्कुलेट कर रहे थे. बट देन हमें बाद में पता चला कि वो जो शेयर कर रहे थे ना वो मेरे अपने लोग थे, लाइक माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, पीपल हुम आई नो, मेरे कजन्स. तो वो चीज ने बहुत इफेक्ट किया था बाद ये में. हर्ट हुई थी बहुत ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा ये हर्ट हुई थी, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम था. प्लस मैं तो वैसे ही कितने खाती रहती हूँ, आई मीन ट्रोल्स एंड मीम्स मेरा आता ही रहता है, और मुझे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यू नो हम लोगों को ऐसे ही करके आगे बढ़ने से हम लोगों का अच्छा होता है. तो दैट वॉज द टाइम हम लोगों को पता चला कि ऐसा होना चाहिए लाइफ में. इसी की वजह से हम लोग बहुत ही स्ट्रांग हो गए थे, तो हम लोग का बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि आई वॉज देयर टू सपोर्ट हर एंड शी वॉज देयर टू सपोर्ट मी, एंड लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वर देयर टू सपोर्ट मी. दो मेरा कोई कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं था, फिर भी इट्स ओके, मेरा फैमिली मेरे साथ था, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. कि और मेरा जो फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, वो लोग भी मेरे साथ थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे. तो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइज. यहाँ पर बहुत इमोशनल सीन चल रहा है अभी, वेरी इंटेंस वाला सीन. तो वो सब छोड़ देते, वो भी हम लोग का पार्ट था लाइफ का, तो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. वहाँ से गुजरे हम, वहाँ से निकल गए, अभी हम लोग बहुत स्ट्रांग हो गए. थैंक यू टू यू गाइज जिसने मीम्स शेयर किया, थैंक यू. एंड यस ऑल्सो उसके बाद हम लोग या ऐसे ही करके हम लोग भूलते गए. उसके बाद मेरा बर्थडे आया, हम लोग बहुत धूमधाम से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया. उसके बाद मेरा बर्थडे, मेरा फर्स्ट बर्थडे में ये नहीं था, पर मैं गया था मिरिक इसको मिलने के लिए, और वहां पर इसने मेरा बर्थडे मनाया. इसको मैं इसको मिलने गया था, मेरा जोयान, तो इसने बलून्स लेके, इसके हाथ पे एक रोज था, और ये नील डाउन करके मुझे प्रपोज किया मेरे बर्थडे पे. तो दो मेरा बर्थडे कल था, तो आज मैं जैसे आज 20th को मैं गया था, तो ये मेरे लिए केक भी लाके रखी थी. तो हम लोग गए मोटल एंड वहां पर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरा फर्स्ट बर्थडे इसके साथ सेलिब्रेट किया. लेकिन 21st की तारीख को क्या हो गया कि मैं इसका बर्थडे, ये बर्थडे 1 बजे मनाने वाला था, तो ऐसा हो गया कि मैं 1 बजे खाना खाने चली गई. तो बाद में मैंने देखा कि मेरे पास तो बहुत कॉल्स आया हुआ है, तो मैंने इसको कॉल किया, तो ये रो रहा था. ये बहुत गुस्सा कर रहा था कि भयो आपो भयो, ये वैसा बोल रहा था. इट्स जस्ट दैट मैंने इसको पहले बोला था कि 1 बजे मैं केक काटने वाला हूँ, वीडियो कॉल में रहना, ये तो खाना खाने चली गई. एंड उसके बाद हम लोग हो गया शॉर्ट आउट, उसके बाद हम लोग फिर से वापस बात करने लगे. हम लोग का झगड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा झगड़ा होता है. पर आप लोगों को जैसा परफेक्ट लगता है ना, हम लाइक परफेक्ट कपल वैसा नहीं. झगड़ा तो हर किसी रिलेशनशिप में होता है, तो हम लोग का बहुत ही ज्यादा झगड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा झगड़ा होता है. पर हम लोग का झगड़ा सिर्फ 1-2 घंटे के लिए होता है, हम लोग कभी भी झगड़ा करके सोते नहीं है, क्योंकि नजर ना लगे. वी आर जस्ट शेयरिंग यू गाइज, क्योंकि यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. आप लोग नहीं होते तो हम लोग यहाँ पर नहीं होते, तो यू गाइज डिजर्व टू नो हम लोगों का स्टोरी. तो ऐसा होता है. उसके बाद मेरा बर्थडे भी चला गया, एंड इसका फैमिली तो वैसा ही था, आई मीन देवर सेम ही था, वैसा ही था कि हम लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. मेरा फैमिली में तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, अभी भी ऑलरेडी पहले से ही एक्सेप्टेड है ये, और मेरे घर भी गई है, और अभी भी मेरे ही घर में है. माई मॉम इज इन अनदर रूम,
तो हम लोग उसके बाद 2020 खत्म हो गया था, उसके बाद आए 2020 वैसे ही खत्म हो गया ऐसे ही, मीम्स ट्रोल्स वगैरह आते ही, इसका अकाउंट हैक होते ही, हम लोग का इसका फैमिली एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसे ही हम लोग का 2020 खत्म हो गया। उसके बाद आता है 2021 में थोड़ा थोड़ा अच्छे से ही जा रहा था, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर ओके दैट टाइम, सब कुछ अच्छे ही जा रहा था। हम लोगों का रिलेशनशिप भी अच्छा ही है, अभी तक भी अच्छा है, उस टाइम में भी अच्छा हुआ था, बट थोड़ा बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स आ रहा था, ऐसा हुआ था बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स, हम लोग ज्यादा मिल नहीं पाते थे। मुझे मैं दार्जिलिंग से यहाँ पर आता था एक दिन के लिए कभी कभी, महीने में थ्री मंथ्स में एक बार आता था, और उस टाइम भी इसको झूठ बोल के निकलना पड़ता था, कभी बोलता था मैं मेरे दोस्त के घर में रहने जा रहा हूँ, कभी बोलता था मैं कहीं पर जा रहा हूँ, तो ऐसे करके हम लोग मिलते थे एंड हम लोग ऐसे ही मिलते रहे। उसके बाद आया सेकेंड वेव में मेरा एंजाइटी स्टार्ट हुआ। आई ऑलरेडी हैव एन अल्सर, आई मीन मेरा मुझे अल्सर है, तो मुझे वैसे भी स्टोमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टोमक प्रॉब्लम की वजह से एंजाइटी भी मुझे आ गया, और सेकेंड वेव में इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने लगा मैं कि मेरा एंजाइटी बहुत वर्स्ट हो गया था। एक दिन मेरा एंजाइटी इतना वर्स्ट हो गया था कि मुझे रात को 1 बजे, आई वॉज स्लीपिंग विथ माई सिस्टर, उस वक्त मुझे अटैक आया। आई वॉज नॉट बींग एबल टू ब्रीथ एंड माई हैंड्स एंड एवरीथिंग वॉज शिवरिंग। मुझे लगा था कि इट्स बिकॉज मेरा प्रेशर लो गया है, बट देन नहीं, इट वॉज बिकॉज ऑफ एंजाइटी। मैंने उसके बाद थोड़ा टाइम दिया मेरे हेल्थ को, लाइक समझने में मैंने थोड़ा टाइम दिया, उसके बाद और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो मुझे डॉक्टर दिखाना पड़ा एंड मैं डॉक्टर दिखाने के लिए गया, तब मुझे बोला गया कि मुझे एंजाइटी है, प्लस मुझे मेरा अल्सर भी वापस आ गया था, आई मीन मेरा पेट में छोटा सा घाव हो गया था फिर से। तो उसके बाद मेरा हेल्थ इश्यूज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आते रहते थे। उसके बाद शी वॉज देयर, ये मुझे बहुत रुलाता था, एवरी मंथ ये मुझे बोलता था कि मुझे कोरोना हो गया, लाइक आई एम डिस्टेंसिंग माई सेल्फ फ्रॉम माई फैमिली, और हम तो डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे ना, तो तब लाइक 2 years, हाँ तब हम मिल भी नहीं पाते थे, तो ये मुझे बहुत रुलाता था ये कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोरोना हो गया है, and she used to cry. बहुत रुलाया, वो भी एवरी मंथ बोलता था, लाइक आज बोल दिया और फिर 1 week के बाद ये ओके हो जाता था, फिर अनदर मंथ फिर बोलता था कि मुझे ऐसा हो रहा है, कॉफ हो रहा है, फीवर हो रहा है। हाँ वो मुझे ऐसा फीवर आया था और उसके बाद फिर से वैसा ही चल रहा था। तो हम लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से हम लोगों का प्यार और भी ज्यादा बढ़ रहा था। 2 years हम लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बैठे, सिर्फ कभी कभी मिल पाते थे हम लोग, और ऊपर से इसका फैमिली, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला उसके फैमिली में, क्योंकि दे आर ऑफकोर्स हर फैमिली, तो आई डोंट हैव एनी राइट कि मैं दोनों फैमिली और इसके बीच में आऊँ, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने इसके ऊपर ही छोड़ दिया था, इसको कैसे हैंडल करना है प्लीज़ कर दो, पर मुझे बीच में नहीं आना है, क्योंकि मेरे वजह से किसी और का रिलेशनशिप फैमिली के साथ खराब हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। सो मैंने इसको बोल दिया और इसने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया अपने फैमिली को। सो अभी उसका रिजल्ट, इसका हैंडल करने का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इवन आफ्टर थ्री इयर्स वी आर टुगेदर, व्हाट ए, सो वी आर टुगेदर एंड मेरे एंजाइटी, मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स हो या मेरा कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, शी वॉज ऑलवेज देयर एवरी टाइम। तो मेरा सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं आपको बोल देता हूँ थोड़ी देर में, जहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया था। तो उसके बाद क्या हुआ,
उससे पहले जब ये 2021 स्टार्ट हुआ था, एनजाइटी से पहले ही वॉज लाइक ब्लीडिंग फ्रॉम हिज माउथ, फिर भी ये डॉक्टर के पास जाने से मना कर रहा था और मुझे इसके मम्मी पापा को इन्फॉर्म करने से भी ये बहुत मना कर रहा था. इसको कभी लाइक बहुत ज़्यादा पेन होता था लाइक स्टमक में, फिर भी ये नहीं बोलता था. कभी ब्लीड करता था, कुछ कुछ ना कुछ इसको होते रहता था. तो मेरा और मेरा स्टूल में भी ब्लड बहुत जाता था, बहुत ही ज्यादा जाता था. तो मैंने मेरे फैमिली को लास्ट में बोलना ही पड़ा. एंड उसके बाद डॉक्टर में दिखाया तो वो लोग बोल रहा था इट्स बिकॉज ऑफ माई अल्सर, वो आई हैव टू स्टॉप ईटिंग स्पाइसी फूड्स एंड एवरीथिंग. मुझे बहुत ज्यादा बारना पड़ा, बहुत ज्यादा बारना पड़ा. मैं मीट नहीं खाता, अभी भी मुझे मीट नहीं पसंद है, थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ. तो वैसा हुआ था एंड मैं इसको सब कुछ बोलती थी, सब कुछ. तो ड्यूरिंग दिस टाइम दिस प्रोसेस मुझे एक बहुत हंसी वाली बात याद आ रही है. okay. ये मुझे सब कुछ बोलता था इसलिए बोलो तो चलो मना ना किसी प्लीज. That's very. So that's a secret. ये मुझे बताने के लिए कर रहा है. तो उसके बाद हम लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था, अच्छा ही चल रहा है, अच्छा ही था. हम लोगों का रिलेशनशिप परफेक्ट ही है. It isn't perfect because हमारा बहुत झगड़ा होता है, क्योंकि ये भी बहुत डीट है और मैं भी बहुत डीट हूँ. मैं बहुत पहले तो मुझे गुस्सा ही नहीं करता था, मैं इसको मेरा गुस्सा ही नहीं दिखाता था, पर अभी तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता हूँ. He was like, so he was very patient kind of person. तो और मैं तो छोटी बच्ची थी तभी से मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर काइंड ऑफ पर्सन. एंड मैंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया. आई नो हाउ टू हैंडल हर मूड स्विंग्स फॉर 1.5 ईयर गाइस, क्योंकि उसके बाद तो इसे भी बहुत गुस्सा आने लगा. हर किसी को आता है गुस्सा. उसके बाद तो ये बहुत इतनी इतनी छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, पर मैं इसको गुस्सा नहीं दिखाता था. पर अभी मैं गुस्सा दिखाता हूँ, क्योंकि इसको भी जानने का मौका मिलना चाहिए कि मुझे भी गुस्सा आता है. आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक यू गाइज मस्ट थिंक वी आर वेरी परफेक्ट, लेकिन हमारा भी बात बात में ब्रेकअप होता है, ब्लॉकिंग सीन भी होता है, लेकिन जस्ट फॉर 2 to 3 hours. तो आप लोगों को वैसे पता नहीं चलता है, पर सबसे पहले ब्रेकअप यही देती है. एक बार तो ऐसा ब्रेकअप दिया था कि मुझे एंजाइटी हो गया था. बहुत ज्यादा एंजाइटी, आई वॉज वॉमिटिंग. इतना ज्यादा एंजाइटी हो गया था कि मुझे I was not being able to breathe. I was vomiting and उसके बाद ये वापस आया. मुझे इसने ही काम कराया. We were like together that time. Yes, हम लोग साथ में ही थे. उसके बाद इसने मुझे handle किया और मैंने इसको last में जाके पूछा कि हम लोग का breakup हुआ गया था ना. And ये बोला उसके बाद अभी नहीं, वो हो गया था लेकिन तुम बीमार हो गए इसी वजह से हम लोग का breakup नहीं हो रहा है. तो ऐसा है कि आई एम वेरी पॉजिटिव, ये भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मैं कोई पॉजिटिव होने वाली कोई काम ही नहीं करती हूँ. लाइक एवरी टाइम आई एम वॉचिंग के ड्रामास और बिंजिंग ऑन नेटफ्लिक्स, तो इसे कोई वो कंप्लेन ही नहीं होता है. मैं किसी को टेक्स्ट भी नहीं करती हूँ, किसी को रिप्लाई नहीं करती हूँ. लेकिन यू डोंट रिप्लाई बट देन ही डज सम थिंग्स लाइक नॉट चीटिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीटिंग और फ्लर्टिंग और एनीथिंग लाइक दैट. चीटिंग करने का एज गया मेरा, छोड़ना. वही तो वो नहीं करता है, फिर भी आई एम वेरी पॉजिटिव. सो हम लोगों का रिलेशनशिप इज लाइक एक्सप्लेन करो, इट्स वेरी डिफरेंट. आई कैन टेल यू इट्स डिफरेंट. डिफरेंट तो क्या बताओ, आप लोगों के रिलेशनशिप में भी होता होगा, पर हम लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है, हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स है. वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, साथ में होते. जब डिस्टेंस रिलेशनशिप में था तब तो हम लोग ज्यादातर फोन पे ही लगे रहते थे, एवरीथिंग वी यूज्ड टू टेल. अभी तो हम लोग साथ में है, हम लोग को पता है कि ये क्या कर रही है, मुझे पता होता है ये क्या कर रही है, और इसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ. तो अभी थोड़े थोड़ा ही बात होता है फोन पे, पर सुबह से लेके शाम तक ये मेरे साथ ही होता है. तो मुझे कोई डर नहीं है
क्योंकि ये बहुत फूडी है, फूडी लड़की हो, ऐसा ही होता है चीटिंग का, कोई मुझे डर ही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये किसी के साथ भी बात नहीं करती है, क्योंकि मैं नहीं रोकता हूँ, फिर भी ये खुद ही बात नहीं करती है। हम लोगों का फील्ड ही ऐसा है कि हमको किसी के साथ भी बात करना पड़ता है, तो हम किसी के साथ भी बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम लोग को पॉजिटिव होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को दैट इज नॉट द थिंग कि हम लोग इस फील्ड में आए हैं तो हम लोग म्यूजिक वीडियोज करते हैं, ऐसा वैसा करते हैं। तो मैं इसको, मुझे इसको बोलने का कोई भी राइट नहीं है कि ऐसा मत करो, ऐसे वीडियोस मत बनाओ, क्योंकि ये तो उसका, मुझसे मिलने से भी पहले तो इसका लाइफ है। तो आई डोंट स्टॉप फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एंड शी डजंट स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो हम लोग ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एंड अभी हम लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी आके कुछ भी बोल दे तब भी हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आई नो हर वेरी वेल, शी नोज मी वेरी वेल। रिलेशनशिप में मेरा मोटो यही है कि हम लोगों को कुछ भी हो, कम्युनिकेशन इज द की। कुछ भी बात मेरे बारे में तुम सुनोगी तो आके पहले मुझे बोलना, तो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग राइट नाउ। सो आई हैवन्ट हर्ड एनी थिंग अबाउट हिम, लेकिन हमारा झगड़ा होता है कुछ कुछ बात में, नॉट वर्क रिलेटेड, प्लीज वो मत बोलना कि ग्रेसी स्टॉप से, ऐसा होता है, शी इज वेरी यू नो शी इज वेरी क्लमजी एंड लीजी लेट्स से, ऐसा होता है। मुझे गुस्सा क्यों आता है आप लोगों को मैं वो भी बता देता हूँ, मेरा ये सुबह से लेके शाम तक मेरे पास ही होता है। तो मुझे एक बात बहुत ही पसंद नहीं है कि ये कुछ भी खाती है ना तो वही रख के जाती है, उसको किचन में तो लेके जाना पड़ेगा ना, वो कौन लेके जाएगा। मैं घर की अकेली बेटी हूँ ना, इसलिए आई वॉज लाइक raised up like this, being pampered like a princess, तो मैं अभी वो चीज में तो मैंने इसको बता दिया है कि अगर तू मुझे ऐसा नहीं ट्रीट करेगा तो हम अलग से फ्लैट में रहेंगे। तो गाइस वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, एंड ये कपड़े बदल के कपड़े वैसे ही फेंक देता है। मुझे सब कुछ करने पड़ता है, यू नो ही इज लाइक दीपिका पादुकोण, मुझे सब कुछ अच्छे से रखना पसंद है, मैं कुछ भी करूँ मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए, एक्सेप्ट फॉर दिस, आप इसको मत ध्यान देना। आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स ग्रेसी, तो मुझे वैसे ही पसंद है, पर ये बहुत ऑपोजिट है, मुझे इसको खाना बना के देना पड़ता है। सिर्फ इसके घर में मैं ऐसी हूँ क्योंकि ये मेरा रूम नहीं है, लेकिन मेरा रूम बहुत नीट एंड क्लीन होता है। अपने रूम में बहुत सब कुछ मिला के रखती है, पर मेरा नहीं, ये तो इसका ही तो घर है, बोल के सब कुछ, जो कपड़े बदल दिया उसको वहीं पर फेंक देता है, जो खाया उसको वहीं पर रख देता है। तो उसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उसी के ही वजह से हम लोगों का झगड़ा ज्यादा होता है। हाय ऋषि, दूसरे वजह से नहीं होता है, उसी के वजह से ज्यादा होता है, और चार्जर के वजह से होता है। ये एक वहां पर जो चार्जिंग पॉइंट है ना वहीं पर फिक्स बैठी रहती है। मैं बताऊंगी मेरे साथ इसका, मैं क्यों इसके साथ गुस्सा करती हूँ। मैं ऐसी लड़की हूँ जिसको अटेंशन चाहिए, बहुत सारा अटेंशन चाहिए, तो ये वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है जो अटेंशन देता है। लड़कियां वैसे ही होती है, जो अटेंशन देती है उसके साथ नहीं होती है, और जो अटेंशन देता है तो ये मुझे अटेंशन नहीं देता है। ये जब भी फोन में होता है, आज भी हम मूवी के लिए गए थे तब भी वो मेरा वर्क रिलेटेड मैसेजेस एंड कॉल्स आता है। तो देखो भाई, हम सेम फील्ड में, मेरा भी वर्क वही है, तुम्हारा भी वर्क वही है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आई एम नेवर लाइक दैट। व्हेन एवर वी आर ऑन अ डेट आई डोंट डू दैट प्लीज। एंड मुझे पता है मैं वैसा ही हूँ, और ये मुझे इसके घर बुलाता है, पता है, डेली घर बुलाता है। मुझे बहुत आलस लगता है बिकॉज इट्स अ बिट फार, नो आई हैव टू कम बाय टोटो एंड स्टफ, तो फिर भी मैं सुबह जल्दी उठ के इसके पास यहाँ पर आ जाती हूँ, और ये क्या करता है? नो यू डू दैट, हम लोग फिर भी नेटफ्लिक्स देखते हैं ना साथ में आफ्टर 1 PM, पर उसके पहले आप लोगों को मैं बता दूं, मैं घर का सारा काम करता हूँ। आई एम स्टेइंग विद माई मॉम जो कि थोड़ा बीमार है,
That is so wrong, guys. That is so wrong. He makes his bed. He does the dishes. But when I'm here, I do the dishes. ये रूम स्वीप करता है, लेकिन खाना मम्मी बनाती है, सिर्फ खाना बनाती है। खाना तो क्या काम है, लू बताओ। वो नहीं है काम मेरा स्वीप करना, वो सुबह स्वीप करता है और बेड मिलाता है, वही तो है काम। दूसरा काम क्या करता है? कितने बार स्वीप करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग बहुत मेला तो करके जाते हैं। ये बोल रहा है कि ये दिन भर स्वीप करता रहता है। दिन भर नहीं करता है, तो जब कभी कभी जब तू तुझे जोश चढ़ता है ना कि मैं आज ये करूंगा, तो तभी आप करते हो। तू गलती से तू बोल गई, लेकिन आप इसके साथ बात करने ही बेकार है। वॉक करते टिकटॉक नहीं करते। सो गाइस, ऐसा है हम लोगों का लाइफ। आप तो देख ही रहे होंगे कि आपको बाद में अगर मौका मिलेगा तो आपको मैं दिखाता हूँ हम लोगों का रियल लाइफ कैसा है। तो ऐसा ही है हम लोगों का लाइफ, ऐसा ही चल रहा है अभी तो। But then it's fine because we are different people and I have different point of view, he has different point of view, he has different taste and preference, मेरा different taste and preference है, तो उसी बात में झगड़ा होता रहता है। आप लोगों का भी होगा, आपका, आप अगर अभी single हो तो जब relation में होंगे तभी भी आपका problem होगा, तो just keep that in mind that जो भी हो, जैसे भी हो, हम लोग साथ में हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत प्यार करते हैं each other को, हम लोग का प्यार वैसा ही है। Just toxic मत होना, वही है। जब हाथ लगाना शुरू हो जाए ना तो ये कर देना, ठीक है? That is very wrong. I'm your mommy. I'm telling you, kids. तो गाइस, ऐसा ही हम लोग का लाइफ, एंड सो ऐसे ही चलता गया, एंड 2020 भी खत्म हो गया। ऐसे ही झगड़े करते ही, हम लोग का प्यार करते ही, झगड़े करते ही हम लोग का 2021 खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, 2021 के नवंबर टाइम में एक बहुत ही बैड टाइम आया था मेरा लाइफ का। जस्ट इन माई लाइफ मेरा फैमिली प्रॉब्लम हो गया था। फैमिली प्रॉब्लम तो क्या, मेरा मॉम का हेल्थ इशू आ गया था। माय मॉम अचानक से, हम लोग को पता चला कि मेरा मॉम का दो ही किडनी फेल हो गया है। तो दैट वाज द टाइम 2021 के नवंबर में हम लोग को पता चला था। एंड उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बैड टाइम आ गया था मेरा लाइफ का। एंड बहुत ज़्यादा सैड एंड अपसेट, यू नो, कितना वो हो गया था। एंड आई केप्ट प्रेइंग टू गॉड कि कुछ भी हो जाए पर मेरे मॉम को सेफ रखना, प्लीज प्रोटेक्ट हर। एंड द रिजल्ट इज हियर, शी इज डूइंग बेटर नाउ। एंड उस टाइम में ऐसा हो गया था, मैं आपको अच्छे से बोल दूँ, माय मॉम इज किडनी फेलियर पेशेंट। एंड नवंबर 2021 में हम लोग को पता चला। उसके बाद दार्जिलिंग से हम लोग को सिलगुड़ी आना पड़ा। एंड मॉम को बहुत प्रॉब्लम्स होता था ठंड में, क्योंकि दार्जिलिंग बहुत ठंड है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो मी, डैड एंड और फैमिली, आई मीन रिलेटिव्स जो थे, मेरा भाई भी था उस वक्त, छुट्टी आया था। तो माई भाई इज़ एन इंडियन आर्मी, वो आया था छुट्टी, तो हम लोग आए यहाँ पर सिलगुड़ी में और हम लोग ने एडमिट कर लिया हमने मॉम को। उसके बाद इमरजेंसी में हम लोग ने मॉम का डायलिसिस स्टार्ट किया था। अभी भी शी इज़ गोइंग थ्रू डायलिसिस, तो शी इज़ ऑन हर डायलिसिस वीक में 2 बार। एंड वो मेरा लाइफ का बहुत ही बैड टाइम, वर्स्ट टाइम था मेरा लाइफ का, यू नो। बहुत ज़्यादा मैं सेंसिटिव हो गया था उस टाइम, बहुत रोता था मैं, बहुत ज़्यादा रोता था। एंड माई फ्रेंड्स एंड शी वॉज देयर व्हेन आई नीडेड पीपल बाय माई साइड, शी वॉज माई नंबर वन, यू नो, शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। उस वक्त से लेके अभी तक भी मेरे साथ है। मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम्स, लाइक यू नो, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए था उस टाइम, be it financially, emotionally, mentally, तो she was there, and मेरा दोस्त लोग भी था, but she
वॉज लाइक सुबह से लेके रात तक मेरे साथ था एंड आई थैंक यू फॉर दैट माई बेबी. एंड उसके बाद माई मॉम हैज गॉटन लॉट बेटर. अभी तो उस टाइम तो माई मॉम वॉज लाइक वेरी वीक, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी मेरा मॉम, अच्छे से चल भी नहीं सकती थी तो उसको पकड़ के लाइक करना पड़ता था. आई वॉज विथ हर, आई एम स्टिल हियर विथ माई मॉम फॉर सिंस नवम्बर, नवम्बर से लेके अभी तक, क्योंकि माई मेरा डैड का जो काम है वो दार्जिलिंग में फिक्स्ड है तो डैड ज़्यादातर यहाँ पर नहीं रह सकता. पर उस टाइम में मेरा डैड भी छुट्टी लेके यहाँ पर फुल बैठा था और मैं और डैड था तो वी वर टेकिंग केयर ऑफ हर. एंड अभी सिर्फ मैं हूँ, ज़्यादातर मैं ही रहता हूँ, कभी कभी मेरा बहन आके रहता है. उस टाइम मैं फ्री होता हूँ तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बाहर जाके यू नो आई स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स एंड आई ट्राई टू लाइक के मन सकते चिल जब मेरा यहाँ पर कोई होता है तो वैसा होता है. उसके बाद अभी हम लोग का लाइफ इज गोइंग वेल एंड इट्स गेटिंग बेटर. मेरा मॉम भी अभी बहुत ज़्यादा ठीक हो गए डायलिसिस में. मैं ही जाता हूँ हमेशा, कभी कभी पापा आता है तो माई डैड टेक्स हर फॉर डायलिसिस, नहीं तो मैं ज़्यादातर मैं ही होता हूँ डायलिसिस के लिए. मैं ही लेके जाता हूँ, मैं और ये तो हमेशा ही होता है मेरे साथ. डायलिसिस हो गया, हम लोगों का ये ड्यूटी हो गया अभी तो. इट्स आवर जॉब टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे. सो मुझे बुरा नहीं लगता है कि मैं टाइम स्पेंड ज़्यादा बाहर नहीं कर सकता हूँ. कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बाहर जाता हूँ एंड मुझे मेरा कोई वर्क रिलेटेड होता है तो मेरा डैड आके यहाँ पर रह जाता है. मेरा डैड, भाई, बहन, कभी कभी मेरा रिलेटिव्स भी आता है, बहुत सारा लोग होता है यहाँ पर तो मुझे कोई फिक्र नहीं करना पड़ता है. तो दैट वॉज द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ. एंड उसके बाद थोड़ा थोड़ा 2022 स्टार्ट हुआ, मेरे मॉम को दो बार हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा 2021 में एंड 2022 के फर्स्ट स्टार्टिंग में जनवरी हो गए. जनवरी में फिर से प्रॉब्लम्स आ गया था, शी स्टार्टेड वॉमिटिंग, शी स्टार्टेड यू नो उसको फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा आया था तो हम लोग ने लेके फिर से एडमिट करना पड़ा हम लोगों को. एंड अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 4 to 5 months बहुत हार्ड था मेरा लाइफ का. तो उसके बाद हम लोग थोड़ा बेटर होने लगा हम लोगों का लाइफ एंड अभी बहुत ही अच्छा जा रहा है. एंड पहले तो ये भी मेरे मॉम के साथ क्लोज नहीं था, शी यूज टू लाइक फील वेरी शाय, बहुत शाय. अभी तो ये लोग फ्रेंड्स जैसा हो गया है एंड अभी तो माँ भी इसके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाता है इसके लिए. इसलिए मैं फूल गई हूँ ऐसे, आई वाजंट दिस चबी बट देन अभी तो मैं हर रोज यहाँ पर आती हूँ, भात खाती हूँ और भात खा के भाते जीव हो गया है मेरा. जब हम लोग फर्स्ट में यहाँ पर आए थे तो ये ऐसा चब्बी नहीं था, पर बहुत अच्छा है ना मेरा माँ का हाथ का खाना खा के चब्बी हो रहा है. सो गाइज उसके बाद हम लोगों का लाइफ अभी अच्छे से जा रहा है. तो ये था हम लोगों का लव स्टोरी जो कि हम लोगों ने शॉर्ट में बोल दिया है. तो मैं एक बात बताऊंगी, रात का बात कर. तो लाइक व्हेन आई वाज स्मॉल नो आई यूज टू विश कि मेरा लव स्टोरी ना कोई ऐसा ऑर्डिनरी ना हो, कि एक लड़का हो और मैं हूँ, वो मुझे प्रपोज करे, हम दोनों रिलेशन में हुए. तो आई नेवर विश्ड फॉर दैट रिलेशनशिप, आई ऑलवेज वांटेड एक क्या वो मूवी होता है ना वैसा वाला रिलेशनशिप जहाँ पर ऐसा ट्रेजिडी, एकदम फैमिली प्रॉब्लम्स, एकदम ड्रामा वगैरह. तो मुझे वो चाहिए था जब मैं छोटी बच्ची थी, क्योंकि जब हमारा रिलेशनशिप एक ऑर्डिनरी लव स्टोरी होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं. तो आई ऑलवेज वांटेड ट्रेजिडी टाइप्स ऑफ बॉलीवुड, एकदम वो होता है ना वैसा ड्रामा वाला रिलेशनशिप. तो जब हम मिले और जब हमारा वो ट्रेजिडी हुआ और जब ड्रामा शुरू हुआ, वो सब कुछ शुरू हुआ, देन आई स्टार्टेड विशिंग कि
ऑर्डिनरी लव स्टोरी होता तो कितना अच्छा होता. बट देन नाउ आई एम ग्लैड वो सब हुआ कि वजह से हम लोगों का रिलेशनशिप बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग हो गया है गाइस. क्योंकि हम लोग को पता चला है कि ये, मुझे पता चल गया है कि ये कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो, ये मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा. एंड दैट्स व्हाट वी वांट, राइट? दैट्स व्हाट हम लोग को और कुछ और क्या चाहिए बोलिए तो. हम लोग को तो वैसा ही पार्टनर चाहिए ना, जो कि हम लोग को सैड हैप्पी टाइम्स में साथ दे. तो आई गॉट माई पार्टनर एंड शी गॉट हर्स. आई एम अ वेरी गुड बॉयफ्रेंड. तो हम लोग का लाइफ ऐसा ही है. तो हम लोगों का लव स्टोरी भी ऐसा ही है. आप लोगों को बता के वी आर वेरी हैप्पी आप लोगों ने हम लोगों का लव स्टोरी सुना. एंड हाँ, बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को फैमिली के बारे में पूछा. तो फैमिली यही है. माय फैमिली एक्सेप्टेड हर सिंस डे वन. जब मुझे बोलने का जरूरत भी नहीं पड़ता है क्योंकि मेरा डैड मॉम जो है यूट्यूब बहुत देखता है एंड मेरा भी वीडियोस वो तो सर्च करके देखता है मेरा वीडियोस. तो किसी हम लोगों के डालने से पहले ही पीपल ऑन यूट्यूब डाल देता है. तो वो लोग, मेरा मॉम को तो पता वैसे भी चल गया है, मेरा रिलेटिव्स को भी पता चल गया है. ऑल ऑफ माय रिलेटिव्स एंड माय फैमिली एंड माय पेरेंट्स नोज कि मैं और ये रिलेशनशिप में है एंड दे एक्सेप्ट अस हैप्पीली. और क्या चाहिए हम लोगों को. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा पार्टनर, मुझे ऐसा फैमिली, मुझे ऐसा आप लोग मिले हो जो हम लोगों को हैप्पी एक्सेप्ट करते हो. तो थैंक यू सो मच. एज फॉर हर फैमिली, इसका भी फैमिली हम लोगों को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है. अभी मॉम को पता ना भी नहीं पड़ता है कि ये मुझसे मिलने जा रहा है, क्योंकि मॉम को ऑलरेडी पता है कि ये मुझे ही मिलने के लिए जा रहा है. तो बोल दो तुम्हारा भी पार्ट. अभी मेरा पेरेंट्स वगैरह नहीं पूछते है कि मुझे डिनाई नहीं करते कि मत जाओ मत मिलो वैसे करके. बिकॉज आई पोस्ट स्टोरीज, आई पोस्ट रील्स, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि मैं इससे ही मिलती हूँ, इसके साथ ही होती हूँ हर वक्त. तो वो लोग मुझे मना नहीं करते. अभी उन लोगों को पता है, अभी भी उन लोगों को पता है कि मैं इसके साथ ही हूँ. तो ये था हम लोगों का फर्स्ट में बहुत ही हार्ड टाइम था कि ये उसका फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. एंड एट सम पॉइंट मुझे लगा था कि दिस रिलेशनशिप वोंट वर्क, बट आई एम हैप्पी इट वर्क्ड क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी विद हर. ये मुझे बहुत ही केयर करता है. इसको लगता है कि मैं बच्चा हूँ. शी टेक्स केयर ऑफ मी. मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो मैं इसको बोल देता हूँ, ये मेरे लिए खरीदता है. एंड मैं भी इसको गिफ्ट देता हूँ, ये भी मुझको गिफ्ट देता है. एंड वी वांट टू से दैट इफ माय पेरेंट्स आर वाचिंग देन वी वांट यू टू एक्सेप्ट अस फुल्ली. वी लव यू. सो गाइस, ये था हम लोगों का लव स्टोरी. एंड इफ वी हैव मिस्ड एनीथिंग देन वी आर सॉरी. वी कांट रिमेम्बर. इससे ज्यादा क्या रिमेम्बर, इससे ज्यादा बुरा तो कुछ भी नहीं हो रहा हम लोगों के लाइफ में, तो मुझे याद नहीं आ रहा है. बट हम लोगों का लाइफ में अच्छे बुरे बहुत सारी चीजें हुए हैं एंड उसी की वजह से हम लोग आज यहाँ पर आपके सामने साथ में खड़े हैं. तो गाइज, ऑल थैंक्स टू यू बिकॉज आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है हम लोगों को एंड बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है. तो वी लव यू गाइज एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि हम लोगों के पास आप लोग हैं. आप लोग नहीं होते तो हम लोग नहीं होते. एवरीबडी नोज दैट कि आप लोग नहीं होते तो हम लोग नहीं होते. सो वी वॉन्ट टू थैंक यू एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. एंड इससे पहले के पार्ट में भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया. यू गाइज वर वेटिंग, आई नो. मुझे बहुत सारा DM आया था, जल्दी जल्दी पार्ट टू. तो हम लोग मूवी देख के आए तो फटाफट से बना दिया हम लोगों ने वीडियो. एंड आई डोंट नो जल्दी जल्दी में कैसा हो गया होगा वीडियो, बट देन प्लीज कुछ मिस्टेक्स हुआ हो तो प्लीज सॉरी फॉर दैट. तो दैट वाज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू गाइज. तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट वॉज इट. हम लोगों का लव स्टोरी यहीं पर खत्म होता है.
उसके बाद का लव स्टोरी हम 3 years के बाद फिर से लाएंगे. तो आप लोगों को नेक्स्ट कंटेंट क्या चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज वी आर वेरी कंफ्यूज कि नेक्स्ट क्या बनाना है. हमें कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या बनाए क्या बनाए, इसलिए प्लीज कमेंट डाउन बिलो आपको क्या चाहिए. सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. यस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आप वो भी बोल देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून.